स्वागत है आप लोगों का डिफेंस कंपटीशन पॉइंट पर। इस वीडियो के सेशन में हम देखने जा रहे हैं नेवी डबल ए एसएसआर और एमआर के एडमिट कार्ड डेट और एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है, तो आपको जैसा कि दिख रहा है जो स्क्रीनशॉट है, एक भाई ने हमें भेजा है। उन भाई ने पूछा था इंडियन नेवी से, जो उनकी ईमेल है उस पर, कि जो एसएसआर डबल ए और एमआर एंट्री के लिए एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं। तो इंडियन नेवी द्वारा जो है मेल का रिप्लाई आया, उसमें लिखा हुआ था, डियर कैंडिडेट काइंडली नोट डेट एडमिट कार्ड फॉर एसएसआर डबल ए विल बी रिलीज टुमारो, प्लीज़ वेट फॉर द फर्दर अपडेट रिगार्डिंग एग्जाम डेट इन इंडियन नेवी साइट। ठीक है, सेम जो है एमआर के लिए भी लिखा हुआ है। तो एमआर एसएसआर और डबल ए के जो एडमिट कार्ड हैं वो कल रिलीज होने वाले हैं। कब रिलीज होने वाले हैं? कल। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ एडमिट कार्ड जो है कल आने वाले हैं। तो आपकी एग्जाम डेट क्या होनी चाहिए? एग्जाम डेट मैं बता दूँ, जो इंडियन नेवी है जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज कर देती है उसके बाद केवल 8 से 10 दिन ही देती है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो एडमिट कार्ड अगर कल आते हैं, कल जो है 24 जनवरी है, 24 जनवरी में अगर 8 प्लस करेंगे क्या आ जाएगी, 1 फरवरी आ जाएगी या फिर 3 फरवरी आ जाएगी, क्योंकि 10 दिन भी हो सकते हैं। तो 1 या 3 फरवरी के बीच में जो है आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे डबल ए एसएसआर के लिए। इसलिए आप अपनी मेहनत को 2 से 4 गुनी कर दें, जिससे कि आपका सिलेक्शन इस बार रुके नहीं। ठीक है ना, और मैं तो रेगुलर वीडियो डाल ही रहा हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में, तो आप मेरे चैनल से वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।